छोटे से गांव, यूपी के एक छोटे से गांव से निकल के एक आदमी बॉम्बे पहुंचा। कहां से निकला? यूपी के छोटे से गांव से निकल के यूपी पहुंचा, बॉम्बे पहुंचा, मुंबई पहुंचा। आप ध्यान से सुन रहे हो, अच्छी बात है, मेरे को अच्छा लग रहा है कि आप सुन रहे हो। पर ये तो पहले एक घंटे के बाद पता नहीं क्या होगा। एक घंटा नहीं बोलूंगा मैं आज, जल्दी खत्म कर दूंगा। तो वो लड़का यूपी के गांव से निकल के बॉम्बे पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि उसको नाम कमाना है, उसको बॉलीवुड में काम करना है, के फिल्मों में काम करना है, या उसे मतलब बस उसे नाम कमाना है, उसे बहुत बड़ा हो, वो बहुत बड़ा होना चाहता है, वो एक बड़ा आदमी बनना चाहता है, एक बड़ा स्टार, बड़ा टेक्नीशियन, बड़ा कैमरामैन, बड़ा वीडियो एडिटर बनना चाहता है बॉम्बे में जाके। नाम कमाना किसको अच्छा नहीं लगता? हम में से कोई है जो कहेगा कि मेरा नाम ठीक है? महान बनना, ग्रेट बनना, बिकमिंग ग्रेट, महान बनना, ये हम सबको अच्छा लगता है। हम सब बड़ा बनना चाहते हैं, हम सब नाम कमाना चाहते हैं, हम सब शोहरत कमाना चाहते हैं, हम धन भी कमाना चाहते हैं, पर हम महान बनना चाहते हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये बात है, हम महान होना चाहते हैं। आप अपनी कंपनियों में जहां पे भी काम करते हो, आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो अपनी कंपनी में जिस लेवल पे शुरू किया उसी लेवल पे सारी उम्र बैठना कोई चाहेगा? कोई नहीं चाहता। हर कोई प्रमोशन शब्द किसको अच्छा लगता है? हाथ उठाएं। प्रमोशन शब्द किसको अच्छा लगता है? हम सबको प्रमोशन अच्छी लगती है। ऊंचे और ऊंचे पे पहुंचना है, और आगे पहुंचना है मुझे, और अच्छा करना है मुझे। सो बड़ा बनना या महान बनना, ये हम सबको अच्छा लगता है। हर कोई इस दुनिया में स्टार बनना चाहता है, हर कोई चमकना चाहता है, नाम कमाना चाहता है, अपनी अपनी फील्ड में बेस्ट होना चाहता है। इवन हमारे टेलीविजन पे शो आते हैं इंडियन आइडल, कितने लोगों ने देखते हैं इंडियन आइडल, मतलब पूरे इंडिया का आइडल है, वॉइस ऑफ इंडिया, पूरे इंडिया की आवाज है। हम में से हर कोई मेरे भाइयों बहनों बड़ा होना चाहता है, महान होना चाहता है। लेकिन मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस संसार में महानता की एक ऐसी परिभाषा है जो परमेश्वर के अनुसार महानता की परिभाषा से मेल नहीं खाती है। यह संसार कुछ सिखाता है महानता के बारे में, और परमेश्वर का वचन कुछ अलग सिखाता है। यह संसार के अनुसार जो महान बनना चाहते हैं, वो महानता मालूम है कैसी है? वो महानता शायद इस प्रकार की है कि आपके कितने फेसबुक पर आपके कितने दोस्त हैं, आपने फेसबुक पे अपनी तस्वीर डाली, कितने लोगों ने आपकी तस्वीर को लाइक किया। जितने आपको लाइक्स मिले उतने आप ज्यादा महान, बड़े हो गए हैं आप, पॉपुलर हो रहे हैं आजकल। इस संसार की परिभाषा महानता की अलग अलग है। इस संसार की परिभाषा महानता के लिए शायद यह हो सकती है कि किसके पास कितनी चीजें हैं। जो बहुत सारी चीजों का मालिक है, बहुत सारी जायदाद संपत्ति का मालिक है, वो बड़ा आदमी है, महान है, बड़ा आदमी है। यह संसार के अनुसार परिभाषा महानता की यह है, कितना तुम्हारे पास कितनी पोजेशंस हैं, या तुम्हारी कामयाबियां बताओ। जिसकी जितनी कामयाबियां वो उतना बड़ा है या उतना महान है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपनी जिंदगी में महान हो नहीं सकते। मैं बताना चाहता हूं उन लोगों को जिनको लगता है कि वो अपनी जिंदगी में महान हो नहीं सकते, मैं उनको बोलना चाहता हूं कि वो लोग गलत सोचते हैं। आप भी महान बन सकते हो, परंतु सच्ची महानता है क्या जिस महानता को हम हासिल कर सकते हैं? ऐसा कौन, किस प्रकार का वो बड़ा नाम है, किस प्रकार की वो ग्रेटनेस है, किस प्रकार की महानता है जो आप में से हर कोई हासिल कर सकता है? इनफैक्ट परमेश्वर चाहता है कि आप बड़े हो जाओ, आप महान हो जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप महान बनो, आप ग्रेट बनो। पर वो कौन सी महानता है जिस महानता को आप सबको जिस महानता का पीछा करना है? कुछ लोगों को लगता है महान बनने के लिए उन्हें कोई ना कोई उनके अंदर बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए, कोई टैलेंट होना चाहिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट उनके अंदर होना चाहिए, कोई खूबी उनके अंदर होनी चाहिए, तो ही वो लोग महान बन सकते हैं। कुछ लोग सोचते हैं उनके लोगों के पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति होगी तो ही वो उसका उपयोग करके कुछ ना कुछ बड़ा नाम कमा सकते हैं। जब पैसा ही नहीं है तो कहां से कुछ करेंगे, लोग सोचते हैं। कुछ लोगों को लगता है महान बनने के लिए या तो हमें टैलेंट चाहिए, खूबी चाहिए, या हमें बहुत ज्यादा बाप दादाओं की जमीन और धन दौलत, खूब सारा पैसा होना चाहिए, तो कुछ ना कुछ करके फिर महान बन सकते हैं। बिना पैसे के क्या कर सकते हैं, कुछ लोगों को ऐसे लगता है।
कुछ लोगों को लगता है कि हमारा बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए. जब बैकग्राउंड ही अच्छा नहीं है, हमारी पृष्ठभूमि इतनी अच्छी नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते. हाँ, उनका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, वो अच्छे बैकग्राउंड से आया है, वो महान हो सकता है, मैं महान नहीं हो सकता. कुछ लोग इस तरह सोचते हैं. कुछ लोग सोचते हैं कि अच्छी लुक होनी चाहिए, दिखने में अच्छा जो आदमी होगा वो आदमी जल्दी बड़ा हो जाएगा, जल्दी महान बन जाएगा. लोग इस तरह सोचते हैं, अच्छी लुक्स होनी चाहिए. और हम में से ऐसे लोग हैं जो बहुत ज़्यादा अपने लुक्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं. बहुत समय जाता है, बहुत पैसा जाता है. आपको मालूम है, कईयों को मालूम होगा कि मेरे पास आजकल गाड़ी नहीं है, मेरी गाड़ी बिल्कुल ठप हो गई, समाप्त हो गई, मैंने उसको बेच दिया थोड़े से पैसों में और वो मेरी गाड़ी नष्ट हो गई अब एक्सीडेंट के बाद. तो आजकल मेरे पास कार नहीं है, लेकिन मेरी पत्नी के पास एक्टिवा है. क्या है? एक्टिवा, टू व्हीलर है. तो आजकल हम एक्टिवा पे बहुत ट्रैवल करते हैं. अब बहुत साल मैंने मोटरसाइकिल चलाई थी, बहुत साल तक चलाई, बहुत साल, 7-8 साल पहले तक मैंने मोटरसाइकिल चलाई. लेकिन अभी दोबारा से मोटरसाइकिल चलाना थोड़ा सा अजीब लगता है. एक तो थक जाते हैं ज़्यादा, लेकिन मिट्टी बहुत ज़्यादा मुँह पर आती है, मुँह के अंदर भी जाती है मिट्टी. तो इस संडे की बात नहीं कि हम कहीं पे इस हफ्ते कहीं पे गए थे और रात को हम 11 बजे वापस अपने घर जा रहे थे, मैं और सपना. रास्ते में सेक्टर 23 के पास हमने गाड़ी रोकी और हमने मेरी दादी के लिए एक दवाई, मेरी दादी हमारे साथ रहती है, बहुत बुज़ुर्ग हैं वो, तो दादी की एक दवाई थी जो ख़त्म हो गई थी. वो दवाई लेने के लिए मैं उस दुकान के सामने रुका, दुकान खुली थी. सपना एक्टिवा के पास ही, हमारा बैग था, सामान था, सपना वहीं पे खड़े थे और मैं दुकान के अंदर चला गया दवाई लेने के लिए. जब मैंने उस दुकानदार को दवाई के बारे में बताया, वो दवाई को ढूंढने लगा, निकालने लगा. तो अब यू नो, कहीं पे भी खड़े रहना ऐसे थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा. मैं खास तौर पर मैं ऐसे खड़ा नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ करना है, कहीं ना कहीं कुछ हाथ लगाना है. तो आज आपको पता है दवाई की दुकानों में क्या रहता है, बहुत सारा सामान रखा रहता है शेल्फों में, करेक्ट. तो काउंटर के इस तरफ जो शेल्फें थी, मैं उस शेल्फ के अंदर ऐसी टाइम पास करने लग गया तो मुझे वहां पे एक क्रीम दिखी, आदमियों के लिए फेयर एंड लवली. ओके, तो मैंने सोचा कि आजकल एक्टिवा चलाते हैं, बहुत मिट्टी, यू नो, बहुत मिट्टी घट्टा चेहरे पे लगता है, तो शायद एक खरीदना चाहिए. तो मैं पढ़ने लग गया इसमें कैसे कैसे, यू नो, स्किन का क्या फायदा होता है. हमारा ध्यान बहुत जाता है हमारी स्किन पे, देखो ये है ना, हम कैसे दिखते हैं. लोगों को लगता है कि हमारी लुक जो है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तब हम महान हो सकते हैं. जब दिखने में अजीब से लगेंगे, मेरी तो प्रभु ने मेरी शक, प्रभु का मूड खराब था जिस दिन खुदा ने मुझे बनाया, तो शक्ल ही ठीक नहीं है, कहां से महान हो जाएंगे हम. लोगों को लगता है कि महान बनने के लिए उनको या तो उनके अंदर कोई बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए, या उनके पास बहुत सारी वेल्थ, बहुत सारा धन होना चाहिए, या उनकी पृष्ठभूमि अच्छी होनी चाहिए, या उनका चेहरा, उनकी बॉडी शॉडी अच्छी होनी चाहिए. कुछ लोगों को लगता है कनेक्शन होना चाहिए. जब तक आपके बड़े लोगों से कनेक्शन नहीं है, तब तक कोई बड़े हम काम कर नहीं सकते. कुछ लोगों को लगता है कि नाम कमाने के लिए हमें लोगों का फेवर मिलना, लोग हमारी मदद करें तो हम कुछ कर सकते हैं, हम बड़े हो सकते हैं. यहां तक कुछ ऐसे भी लोग हैं जो किस्मत पे विश्वास करते हैं. मैं आपको सिखाना चाहता हूं, सबसे पहले मसीही लोग किस्मत पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर की आशीष पे विश्वास करते हैं. हालेलुया. कुछ लोगों को लगता है कि उसकी अपनी अपनी किस्मत है, किस्मत उनकी किस्मत थी, उनको मिल गया. मसीही लोग, आपको मालूम है किस्मत जो है ना, वो कहां से आती है किसी को नहीं मालूम. किस्मत एक आइडिया है. किस्मत क्या? किस्मत कहां से, कौन सी किस्मत? हम जानते हैं बाइबल से, हर एक अच्छी चीज का देने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. इसलिए हम लोग किस्मत पे विश्वास नहीं करते. बट कुछ लोग हैं जिनको लगता है या तो मेरे अंदर कोई खूबी हो, या मेरे पास बहुत सारा धन हो, या मैं अच्छे बड़े खानदान से आने वाला होऊंगा तो ही कुछ हो सकता है, या मेरे अच्छी अच्छी लुक्स होनी चाहिए, या मेरे कनेक्शन होने चाहिए, या लोगों का फेवर मुझे मिलना चाहिए तो मैं कुछ कर सकता हूं. और कुछ लोग किस्मत के पीछे बैठे रहते हैं और अपने जीवन में महान नहीं बन सकते.
लेकिन मैं आपको सिखाना चाहता हूं वचन में से, आज मैं आपको बताऊंगा पहली बात, परमेश्वर आप सबको महान बनाना चाहता है। परमेश्वर चाहता है कि आप सब महान बनो, लेकिन कौन सी महानता के पीछे जाना है? वो महानता जो परमेश्वर ने अपने वचन में हमको सिखाई है। हालेलुया, आज हम वचन से सीखेंगे कि कौन सी वो महानता है जिस महानता के पीछे हमें जाना है। मेरे भाइयों बहनों, जिन चीजों की हमने बात की, किन किन चीज़ों की हमने बात की, हमने बात की टैलेंट के बारे में, खूबियों के बारे में, वेल्थ के बारे में, बैकग्राउंड के बारे में, पृष्ठभूमि, आपका धन दौलत, आपका लुक्स, आप कैसे दिखते हो और आपके कनेक्शन, ये सारा कुछ, ये सारी चीज़ें भी अगर आपके पास हैं तो भी संभव है कि आप महान ना बने। आपको लगता है उन चीज़ों से आप महान बनेंगे, मैं आपको कह रहा हूं अगर वो सारी चीजें आपको दे दी जाएं तो भी ऐसा हो सकता है कि आप महान नहीं बने प्रभु की नजर में। इनफैक्ट सच्ची महानता हासिल करने के लिए, ट्रू ग्रेटनेस हासिल करने के लिए आपको इनमें से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। जो संसार कहता है ये चीजें होनी चाहिए तो ही कुछ कर पाओगे, परमेश्वर कहता नहीं, इन चीजों से तुम महान नहीं बनोगे। तो क्या है सच्ची महानता? प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर चल फिर रहे थे, बहुत सारे चमत्कार कर रहे थे, जब यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ने का समय आ गया, यीशु मसीह ने जनता से मिलना क्लोज कर दिया। यीशु मसीह ने हजारों की संख्या में लोगों को मिलना बंद कर दिया और केवल अपने चेलों के साथ समय बिताना शुरू कर दिया। यीशु के 12 चेले थे और यीशु मसीह ने 12 चेलों के साथ ज़्यादातर समय बिताना शुरू कर दिया। एक दिन वो कहीं पे जा रहे थे और रास्ते पर यीशु मसीह ने, ये सब हम मरकुस के 9:35-30 में हम पढ़ सकते हैं, और वहाँ पर क्या हुआ, यीशु मसीह उनको बताने लगा, गुप्त बात, सीक्रेट बात उनको बताने लगा, शिक्षा देने लगा। और यीशु मसीह ने कहा कि अभी हम यरूशलेम जा रहे हैं और मनुष्य का पुत्र, मतलब स्वयं यीशु मसीह, उन्होंने कहा कि अभी मैं मनुष्यों के हाथों पकड़वाया जाऊंगा, फिर मुझे मार दिया जाएगा और फिर मैं 3 दिन के बाद दोबारा मुर्दों में से जीवित हो जाऊंगा। यीशु मसीह उनको इतनी इंपॉर्टेंट बातों को सिखा रहे हैं। इन लोगों का ध्यान प्रभु की इंपॉर्टेंट बात पर नहीं लगा हुआ, ये लोग क्या कर रहे हैं, हम देखते हैं 33 में क्या हुआ। फिर वे कफरनहूम पहुंचे और जब वो घर में था, तो उसने उनसे पूछा, हाँ तो यीशु मसीह ने उन लोगों से पूछा, मार्ग में तुम क्या विवाद कर रहे थे? मार्ग में तुम किस बात का विवाद कर रहे थे? सब लोग मेरी तरफ देखें भाइयों बहनों, हो क्या रहा था? यीशु मसीह रास्ते में जा रहे हैं, चेले उनके साथ जा रहे हैं, यीशु उनको बड़े काम की बात सिखा रहे हैं, यीशु मसीह उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों में मेरी मृत्यु हो जाएगी और क्रूस पर मुझे टांग दिया जाएगा और मैं अपने, यीशु मसीह उनको ये पूरी बातें सिखा रहे थे कि अभी लोग मुझे मार डालेंगे, फिर मैं क्रूस पे मार दिया जाऊंगा और फिर 3 दिन के बाद मैं मुर्दों में से दोबारा जीवित हो जाऊंगा। यीशु मसीह उनको सीक्रेट बात, इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, और जिस समय यीशु उनको इंपॉर्टेंट बातें सिखा रहे हैं, चेले यीशु की इंपॉर्टेंट बातों को नहीं सुन रहे हैं, उल्टा क्या कर रहे हैं, आपस में झगड़ा कर रहे थे। किस बात का झगड़ा कर रहे थे, अभी हम देखते हैं। आपस में वाद विवाद, झगड़ा मतलब मारकूट नहीं, लेकिन वाद विवाद कर रहे थे, आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। उनके बीच में क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा था? परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था। हाँ? कि हम में से बड़ा कौन, है यीशु के साथ उनके 12 चेले, यीशु उनको पते की बात सिखा रहे, जनता उनसे मिलना चाहती है, यीशु ने जनता से मिलना बंद कर दिया और यीशु सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, रहस्य की बातें, बड़ी शिक्षा, महत्वपूर्ण शिक्षा केवल अपने किसको दी, शिष्यों को देना चाहा, और यीशु मसीह उनको मसीहत का सबसे इंपॉर्टेंट संदेश समझा रहे हैं कि मेरी क्रूस पे मृत्यु बहुत महत्वपूर्ण है। उनका आपस में यीशु की बातों पर ध्यान था, हाँ या ना? किस बात पर ध्यान था? इस बात में आर्ग्यूमेंट कर रहे थे, हम यीशु के 12 चेले हैं, हम में से सबसे बड़ा कौन है? अगर मैं होता यीशु की जगह
तो शायद मैं अपने चेलों पर बहुत ज़्यादा डांटता और मुझे मैं उनको ये कहता कि मैं तुम लोगों से थक चुका हूँ, मैं 3 साल से तुम्हें प्रभु की बातें सिखा रहा हूँ और अब जब मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ प्रभु के राज्य का, जब मैं तुम्हें सीक्रेट बता रहा हूँ, तुम आपस में अभी कौन महान है, तुम इन बातों में लगे हुए हो। अगर मैं होता तो मैं उनसे नाराज़ हो जाता, मैं उन पर गुस्सा होता, मैं उन्हें डांटता। लेकिन यीशु ने क्या किया, आगे सुनिए। बैठने के पश्चात यीशु बैठ गया। देखिए, बैठना एक आदमी शांत है उसको दर्शाता है। क्या हम अपने गुस्से में बैठ सकते हैं? हम गुस्से में खड़े होते हैं, चिल्लाते हैं, हम गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं। यीशु मसीह को भी गुस्सा आया होगा एक बार कि ये मैं 3 साल से उनको स्वर्ग राज की बातें सिखा रहा हूं और इन लोगों को देखो ये कि किन बातों के पीछे लगे हुए हैं। हम में से बड़ा कौन है, हम में से कौन यीशु के ज्यादा करीब है, हम में से यीशु सबसे ज्यादा प्यार किसको करते हैं, इन सारी बातों को लेके वो लड़ाई कर रहे थे। पर यीशु मसीह उस समय बैठ गया। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु हमारे साथ ऐसा है, हम मूर्खता करते हैं, प्रभु हमारे साथ धीरज रखता है। हम मूर्खता की बात करते हैं, हम इंपॉर्टेंट बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हम मूर्खता की बातों पे ध्यान दें तो भी प्रभु इतना महान है, वो हमारे साथ धीरज रखता है। पर हमारी हमारी गलतियों को वो इग्नोर नहीं करता, पर प्रेम से हमें समझाना चाहता है। हालेलुया। तो लिखा यीशु मसीह बैठ गया। और क्या आगे आगे पढ़ो। उसने 12 को बुलाया, उसने 12 चेलों को बुलाया और उनसे कहा, और उन लोगों से कहा, यदि कोई प्रथम स्थान चाहे। अब यीशु ने बोला, अगर कोई प्रथम स्थान चाहे, मतलब जो बड़ा बनना चाहता है। हाँ, अब आप सब जानना चाहते हैं बड़े कैसे बन सकते हैं? कौन कौन जानना चाहता है बड़े कैसे बन सकते हैं? प्रभु ने कहा, जो प्रथम स्थान चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, वो जो प्रथम स्थान चाहे तो सबसे अंतिम हो। बस वो क्या कर जाए, सबसे अंतिम हो जाए, सबसे छोटा बन जाए। इस वाली बाइबल में क्या लिखा हुआ है, छोटा बन जाए। सामने देखिए सच्ची महानता क्या है, कौन कौन जानना चाहता है यीशु के अनुसार सच्ची महानता क्या है, कौन कौन जानना चाहता है? ये वचन से ही हम देख रहे हैं भाइयों बहनों, सच्ची महानता क्या है। सच्ची महानता इसमें है कि हम अपने आप को सबसे कम महत्वपूर्ण समझें। हम लोग अब तक क्या सोच रहे थे, संसार क्या सोचता है, महानता इसमें है मुझे लोग कितना जानते हैं, कितने लोग मेरी तारीफ करते हैं, मैंने क्या कुछ हासिल कर लिया, मैंने क्या कुछ बड़े बड़े काम कर डाले, मैंने समाज के लिए इतना कुछ कर दिया, मेरे पास इतना धन है, इतने लोग मेरे को जानते हैं, इतने मेरे दोस्त हैं, मैं रात में 3 बजे भी फोन करूंगा तो 50 लोग मेरी मदद करने के लिए आ जाएंगे। संसार इस तरह बड़े आदमी की पहचान देता है, वो बड़ा आदमी है। प्रभु ने कहा, बड़ा कौन है? सच्ची महानता इसमें है कि हम अपने आप को सबसे कम महत्वपूर्ण समझें। इसका मतलब हम दूसरों को अपने आप से ज्यादा बेहतर समझें। कितने लोगों को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यह है सच्ची महानता, जो महान बनना चाहता है। दिस इज व्हाट यू नीड। ट्रू ग्रेटनेस इन्वॉल्व्स बिकमिंग द लीस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द क्राउड। लीस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे कम जरूरी मैं हूं। लेकिन हम में से हम सब इस बात से युद्ध करते हैं अंदर ही अंदर, मुझे नहीं पूछा, मुझे नमस्ते नहीं बोला, मुझे बैठने को नहीं बोला, उन लोगों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। और हम अपने इंसानी रिश्ते कितने खराब कर लेते हैं इन चीजों के पीछे कि उन्होंने हमें इग्नोर कर दिया, उन्होंने हमसे यू नो दिस एंड दैट। लेकिन जो सच्ची रीति से जो महान बनना चाहता है वो अपने आप को दूसरों से कम महत्वपूर्ण समझेगा। सामने देखिए परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। पौलुस ने कहा फिलिपियों 2:3 में, उसने कहा, ईर्ष्या और बेकार के अहंकार से कुछ मत करो बल्कि नम्र बनो। आगे आप लोग सब पढ़ो, तथा दूसरों को अपने से उत्तम समझो। ये मैंने नहीं लिखा, ये क्या है, परमेश्वर का वचन है। कंसिडर अदर्स बेटर देन योर सेल्फ। दूसरों को अपने से उत्तम समझो। उत्तम मतलब मुझसे ऊपर है, दूसरे लोग मुझसे उत्तम हैं। मेरे भाइयों बहनों सब सुन रहे हैं कि नहीं? परमेश्वर का वचन ये कहता है महान लोग ऐसा काम करते हैं, दूसरों को अपनों से ज्यादा
महत्वपूर्ण समझते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है तुम में से हर कोई सब पढ़े, तुम में से हर एक को चाहिए कि केवल अपना ही नहीं बल्कि दूसरों के हित का भी ध्यान रखे। महान आदमी कौन होता है? महान आदमी वो है जो दूसरों के हित की चिंता करता है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं, इस तरह का जीवन प्रभु आपसे, आपके जीवन में इस तरह के बातों को वो देखना चाहता है, इस तरह की महानता को वो देखना चाहता है। संसार क्या सिखाता है? स्वार्थ, अपने बारे में सोचना। प्रभु बोलता है तुमको महान बनना है, तुम दूसरों के लिए कुछ करना शुरू कर दो, दूसरों की चिंता तुम किया करो। और अंत में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभी हमने देखा फिलिपियों 2:3, फिलिपियों 2:4 देखा, अब देखो पौलुस आगे क्या कह रहा है। फिलिपियों 2:5-8 तक वो क्या कहता है? पौलुस सिखाता है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। स्वभाव मतलब एक दूसरे के साथ रिश्ता। सारे बोलो एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता। बोले सारे एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता। सो पौलुस कहता है एक दूसरे के साथ तुम्हारा रिश्ता कैसा होना चाहिए? जैसा यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा स्वभाव होना चाहिए, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने मतलब किसने? यीशु ने, पढ़ो, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी। बस तो यीशु मसीह कौन है? फर्स्ट थिंग, यीशु मसीह कौन है? तो लिखा है यीशु ने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। इसमें लिखा है कि यीशु मसीह परमेश्वर है, पर यीशु मसीह ने परमेश्वर होने की बात को अपने साथ इतना अपने वश में नहीं रखा। क्या कर दिया यीशु ने? वरन अपने आप को ऐसा, सब पढ़ो, ये शब्द क्या है? शून्य। अब सब लोग बताएं यीशु मसीह एक्चुअली में यीशु मसीह है कौन? पर वो क्या बन गया? क्या परमेश्वर महान होता है या महान नहीं होता? तो अगर परमेश्वर महान है, अगर यीशु मसीह परमेश्वर है और यीशु मसीह महान है, तो यीशु मसीह क्या बन गया? अब समझ में आया महान होने का मतलब क्या है? शून्य हो जाना, अपने रिश्तों में क्या हो जाना? शून्य हो जाना। सामने वाला मुझसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सामने वाले की इज्जत मेरी इज्जत से ज्यादा होनी चाहिए। क्योंकि पौलुस यहां पे सिर्फ यीशु मसीह की तारीफ नहीं कर रहा है, यह सब कुछ बताने का कारण क्या है? वो कहता है कि देखो यीशु को देखो और अपने स्वभाव में एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते में यीशु के जैसे बन जाओ। सो इसका जो पर्पस है फिलिपियों 2:5-8 का, पौलुस क्यों लिख रहा है ये? पौलुस इसलिए लिख रहा है क्योंकि वो चाहता है कि हम अपने रिश्ते नातों में यीशु के समान बन जाएं। जो कि है कौन? सब बताइए, है कौन? परमेश्वर। पर वो क्या बन गया? शून्य। और क्या बन गया? और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। मतलब वो यीशु मसीह है कौन? पर वो क्या बन गया? और क्या बन गया? और क्या बन गया? मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को क्या कर लिया? किसने कर लिया? परमेश्वर ने दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी भी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सहली। असली महानता आप लोगों को समझ में आ गई? असली महानता वो नहीं कि जो आप हैं वो बन के बैठे रहे, मैं वो हूं, सबको मेरी बात माननी चाहिए, मैं हूं बड़ा। लेकिन अगर आप बड़े भी हो तो भी आप यीशु के समान शून्य बन जाओ। इसी में महानता है। दिस इज वॉट महानता इज। तो जैसे हमने देखा सच्ची महानता इसमें है कि हम अपने आप को सबसे कम महत्वपूर्ण समझें, ठीक उसी प्रकार जैसे यीशु ने हमें करके दिखाया है। नाउ अपने रिश्ते नातों में, अपने संबंधों में, अपनी पत्नी के साथ, अपने पति के साथ, अपने बहन भाइयों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने कर्मचारियों के साथ, अपने चर्च के लोगों के साथ, क्या अपने रिश्तों में क्या हम मरने के लिए तैयार हैं? अब मरने का मतलब क्या है? छोटा बनना आसान नहीं है,
छोटा बनना बड़े होते हुए भी छोटा बनना एक मौत का अनुभव है। आप जानते हैं कि सामने वाला उस लायक नहीं कि आप उसकी सेवा करें, पर उसकी सेवा करना यह मृत्यु का अनुभव है। आप जानते हैं कि सामने वाला आपको परेशान कर रहा है, आप फिर भी उसकी सेवा करें, आप फिर भी उसी उसकी भलाई के लिए प्रार्थना करें, यह आसान नहीं है, लेकिन यह मृत्यु का अनुभव है। जब यीशु मसीह धरती पर आया तो क्या धरती पर लोग उसका इंतजार कर रहे थे? लोग अपने पापों में मरे हुए थे। जब यीशु धरती पर आया तो क्या लोगों ने कहा प्रभु हमको बचा ले? क्या किसी ने कहा? किसी ने नहीं कहा। क्या लिखा है? लोग अपने पापों में डूबे हुए थे। प्रभु कब आया? प्रभु इस धरती पर तब आया जब इस धरती ने प्रभु को मांगा भी नहीं था। हमें लोगों की सेवा कब करनी है? जब लोग हमारी सेवा के योग्य नहीं है। हमें लोगों से प्रेम कब करना है? जब सामने वाला मेरे प्रेम के लायक नहीं है। हमें सामने वाले को क्षमा कब करना है? जब सामने वाला मेरी क्षमा पाने के लायक नहीं है। तो आप महान हैं। इस हफ्ते अंडमान निकोबार आइलैंड्स में एक ऐसी प्रजाति के लोग अभी भी जिंदा हैं। बहुत हैरानी की बात है कि इंटरनेट के युग में अभी भी ऐसा होता है। 100-150 लोगों की एक जाति है और वो जाति जंगलों में रहती है, अंडमान निकोबार आइलैंड के जंगलों में। अमेरिका से एक लड़का आया, 26-27 साल का लड़का, और वो उनके बीच में यीशु मसीह का प्रचार करना चाहता था। लेकिन वो जाति कैसी है? बाहर से किसी भी आदमी को वो झेल नहीं सकते। कोई भी उनके उनकी तरफ अगर आएगा तो वो उनको बाण से मार देते हैं। वो बाहर की दुनिया से उनका कोई कॉन्टैक्ट नहीं है। वो जंगलों में रहते हैं, बाहर का कुछ सरकार ने भी वहाँ पे जाना मना किया हुआ है, कोई वहाँ पे जा नहीं सकता। लेकिन ये मिशनरी जो था, ये अमेरिका से लड़का आया और इसने उस जाति के लोगों को प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहा, और इसने अपनी जान जोखिम में डालकर मछुआरों को कुछ पैसे दे के और उसने उनके पास पहुँचने का रास्ता बना लिया। जब वो मिशनरी उनको प्रभु का दास था वो, जब वो उस जाति के बीच में पहुंचने लगा तो उन जाति, क्योंकि वो लोग कपड़े भी नहीं पहनते, वो अलग बहुत ही हजारों साल पहले की बैकवर्ड लोग हैं, उनके तन पे कपड़े तक नहीं होते। वो बाहर से किसी भी मनुष्य को अपने जंगल में आने नहीं देते। उन्होंने देखा कि ये आदमी हमारी तरफ आ रहा है, शायद ही हमें नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने उसको बाण के साथ एक पे एक वार किया और वो 4-5 दिन पहले की बात है, और वहीं पे वो यीशु मसीह की खातिर शहीद हो गया। अब उसके माता पिता जो अमेरिका में बैठे हैं, उन लोगों ने एक चिट्ठी लिखी और इंटरनेट पे डाल दी, और उसमें क्या लिखा कि जिन लोगों ने हमारे बेटे को मारा है उनको हम क्षमा करते हैं, माफ करते हैं। ये भी कहा कि जिन मछुआरों को भारत की सरकार जेल में पकड़ के ले गई है उनको भी रिहा कर दिया जाए, हमारे बेटे की मौत का जिम्मेदार कोई नहीं है, क्योंकि हमारे बेटे ने कहा था कि शायद उसको प्रभु यीशु के नाम की खातिर अपनी जान भी देनी पड़े। मेरे भाइयों बहनों, सच्ची महानता क्षमा करने में है, सच्ची महानता अपने रिश्ते बनाए रखने में है, सच्ची महानता दूसरों को अपने से ज़्यादा बेहतर समझने में है। कितने लोगों को समझ में आ रहा है? और ये यीशु ने कहा, राइट? दोबारा से पढ़ दें जरा, क्या हुआ था? 33 से पढ़ दीजिए, सब लोग मिलके पढ़ सकते हैं। और हाँ, फिर वे कफरनहूम पहुंचे, और जब वह घर में था तो उसने उनसे पूछा, मार्ग में तुम क्या विवाद कर रहे थे? परंतु वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में वाद विवाद किया था कि हम में से कौन बड़ा है। हम में से कौन बड़ा है, वो इस बात का विवाद कर रहे थे। फिर यीशु ने क्या किया? बैठने के पश्चात उसने 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई प्रथम स्थान पाना चाहता है, कोई बड़ा बनना चाहता है, तो वो सबसे अंतिम हो, सबसे छोटा हो जाए। अब आगे क्या बोला यीशु मसीह ने? और सबका सेवक बने। हेलो, सब सुन रहे हैं इधर? देखिए सब, क्या कहा यीशु ने? सबका सेवक बने। सामने देखिए, सच्ची महानता इसमें है कि हम सबके दास और सेवक बन जाएं। यह है सच्ची महानता। और यीशु ने बोला, गिने चुने लोगों की सेवा नहीं करनी। क्या कहा? दोबारा से पढ़ दो, सबका सेवक बन जाएं।
हम चुन नहीं सकते। मेरी ना उनसे मेरी नहीं बनती भैया, आप ना मुझे उनके साथ बात करने के लिए मत बोलो, उनसे मेरी नहीं बनती। मैं सेवा करूंगा मैं, लेकिन उन लोगों की सेवा करने को तैयार हूं। प्रभु ने क्या बोला? सबकी सेवा करनी है अगर आप महान बनना चाहते हो। प्रभु ने बोला जो प्रथम स्थान पाना चाहता है, जो बड़ा बनना चाहता है, दूसरों को अपने से बेहतर समझे, अपने आप को दूसरों से कम महत्वपूर्ण समझे, और सब लोगों की क्या क्या बन जाए? दास और सेवक बन जाए। हमारे लिए इस तरह का जीवन जीना आसान नहीं है, लेकिन हम महान तो बनना चाहते हैं। पर अगर हम महान बनना चाहते हैं, ये रास्ता है। इस रास्ते का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई बाईपास नहीं है, कोई समझौता नहीं है, प्रभु के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर महान आपको बनना है, ये रास्ता है। अगर हम दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझेंगे, हम उनके दास भी नहीं बन सकते हैं। अगर मान लो पास्टर अरविंद, जो हमारे चर्च के लीड पास्टर हैं, इस समय मान लो यहाँ पे पूरा अभी भी पूरा भरा हुआ है, पीछे एक भी कुर्सी खाली नहीं है। पास्टर अरविंद अगर यहाँ अंदर कमरे के अंदर आ जाएं और आप सब कितने लोग पास्टर अरविंद की इज्जत करेंगे? वो कमरे के अंदर आ गए और कमरे के अंदर बैठने की बिल्कुल भी जगह नहीं है, आप क्या करेंगे? कुर्सी खाली करके उनको दे देंगे। क्यों दे देंगे? क्योंकि वो इंपॉर्टेंट पर्सन है, राइट? हाँ या ना? अगर वो हमारे चर्च में एक महत्वपूर्ण आदमी है, अगर हम उनको महत्वपूर्ण समझेंगे तो ही तो हम उनके लिए कुर्सी खाली करेंगे। इसका मतलब पहला स्टेप क्या है? द फर्स्ट स्टेप इज दिस। पहला कदम ये है, अपने आप को लेस इंपॉर्टेंट समझो, अपने आप को कम इंपॉर्टेंट, कम महत्वपूर्ण समझो। जब आप अपने आप को दूसरों से कम महत्वपूर्ण समझेंगे तो आप उनके दास भी बन जाएंगे। कितनों को समझ में आ गया? ये हम मरकुस 9 अध्याय की बात कर रहे हैं। मरकुस 10 अध्याय में सेम घटना घटी, चेले ढीठ हैं हमारी तरह। प्रभु यीशु ने उनको सिखा दिया, लेकिन एक दिन के बाद क्या हुआ? याकूब और यहुन्ना यीशु मसीह के पास पहुंच गए और क्या कह रहे हैं? प्रभु जी ऐसा करना, आपके इस तरफ एक को बिठाना और आपके इस तरफ दूसरे को बिठाना। प्रभु ने बोला मैं तुम्हें कल ही समझा के हटाऊं। उस समय प्रभु ने उनको दोबारा से ठीक किया और प्रभु ने क्या कहा? सामने देखिए मरकुस 10 में अगले अध्याय की बात है। यीशु ने कहा, सब पढ़ें, तुम में से जो कोई बड़ा, सब पढ़ें सब मिलके, 1 2 3 सब पढ़ें, तुम में से जो कोई बड़ा बनना चाहता है वह तुम सबका दास बने, और जो तुम में प्रधान बनना चाहता है सबका सेवक बने। हम प्रधान बनना चाहते हैं ताकि लोग हमारी सेवा करें। प्रभु ने बोला तुम अगर प्रधान बनना चाहते हो तो सबके सेवक बनो। महान बनने का रास्ता प्रभु ने बताया। किसी ने इस प्रकार कहा, सच्ची महानता क्या है? परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरों की सेवा करना। व्हाट इज ट्रू ग्रेटनेस? सच्ची महानता क्या है? पढ़े सारे सामने, परमेश्वर की महिमा के लिए दूसरों की सेवा करना, यह है सच्ची महानता। और अभी हम खत्म करने वाले हैं। प्रभु ने एक और बात कही, पढ़ते जाएं आगे। 35 पढ़ लिया हमने, आखिरी वचन पढ़ेंगे 36 वचन। पढ़ें। तब उसने एक बच्चे को लेकर, प्रभु यीशु ने एक छोटे बच्चे को ले लिया, उनके मध्य में खड़ा किया, और वहां पे अब सब मेरी तरफ देखें, उस मीटिंग में कौन है? उस मीटिंग में कौन है? यीशु मसीह है और यीशु के 12 चेले हैं। तो प्रभु कमरे के बाहर गए और गली में से कुछ बच्चे खेल रहे थे। प्रभु ने एक बच्चे को पकड़ लिया। उस छोटे से बच्चे को प्रभु ने किस में ले आया? एक अपनी मीटिंग में ले आया और चेलों के बीच में खड़ा कर दिया। और क्या कहा प्रभु ने? बच्चे को लेकर उसके मध्य में खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उसने कहा, जो कोई मेरे नाम से किसी ऐसे बच्चे को ग्रहण करता है, जो कोई मेरे नाम से एक इस ऐसे बच्चे को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। और जो मुझे ग्रहण करता है, जो मुझे ग्रहण करता है, वह मुझे नहीं परंतु उसे ग्रहण करता है जिसने मुझे भेजा है।
यहां पर बच्चे का क्या मतलब है? क्वेश्चन मार्क है। क्या महान बनने का मतलब यह है कि हम अपने घर में 25-26 बच्चों को रोज बुला के खाना खिलाएं? प्रभु ने बोला जो महान बनना चाहता है बच्चों को ग्रहण करे। क्या कौन है बच्चे? क्या बच्चा शॉपिंग करने खुद जा सकता है? अब क्रिसमस आएगा, अपने बच्चों को आप कपड़े दिलाओगे, आप उसको बोलोगे कि बेटा ये ले 2000 जा खरीद ले जाके? बताइए हाँ या ना। क्या बच्चा माता पिता के बिना रह सकता है? बच्चे वो हैं जिन्हें सहारा की जरूरत है। इसका मतलब क्या है? प्रभु ने महान बनने का रास्ता बताया। और आखिरी बात देखिए, सच्ची महानता इसमें है कि हम गरीबों, बेसहारा और लाचारों का सहायक बन जाए। जैसे बच्चों को सहारा चाहिए, प्रभु यीशु मसीह गरीबों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने गरीबों को संभालने की, गरीबों का ध्यान रखने की, गरीबों की भलाई करने की जिम्मेदारी उनको दी है जिनके पास उनसे ज्यादा दिया गया है। महानता गरीब लोगों के लिए सेवा करने में है, महानता दूसरों की भलाई करने में है। विशेष तौर पे बाइबल एक और जगह पे बताती है कि जो विधवाएं हैं और अनाथ हैं, विधवाओं का और अनाथों का ध्यान रखना महान बनने का एक तरीका है। मेरे भाइयों बहनों, आप सब जितना भी पैसा कमाते हो, लेकिन क्या आपके जीवन में, क्या आपका दिल जो आपसे ज्यादा गरीब हैं, क्या उनके लिए खुला है? या आपको ये लगता है कि नहीं, मेरा तो खुद का ही खर्चा नहीं हो रहा, मैं क्या करूं दूसरों के लिए? लेकिन आप महीने में कम से कम 100 रुपया किसी गरीब बच्चे के लिए कुछ कर सकते हैं, 200 रुपया कम से कम कर सकते हैं। बात पैसे की नहीं है अल्टीमेटली, बात आपके दिल की है। क्या आपका दिल गरीबों के लिए रोता है? जैसे बच्चे बिना माँ बाप के, बिना गार्डियन के कुछ नहीं है, वैसे गरीब लोग हैं जिनको बिना सहारा के कुछ नहीं उनका हो सकता, उन्हें मदद चाहिए, वरना वो वहीं पड़े रहेंगे, अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आपको महान बनना है, आपके जीवन में गरीबों के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। जब यीशु मसीह वापस आएगा, भविष्यवाणी के रूप में यीशु ने कहा, क्या कहा? यीशु ने कहा ये राज्य तुम्हारा है क्योंकि मैं भूखा था। ये किसने कहा? यीशु ने कहा, मैं भूखा था, तुमने मुझे कुछ खाने को दिया, मैं प्यासा था, पढ़ो, और तुमने मुझे कुछ पीने को दिया, पढ़े सारे, मैं पास से जाता हुआ कोई अनजाना था और तुम मुझे भीतर ले गए, मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सेवा की, मैं बंदी गृह में था और तुम मेरे पास आए। मेरे भाइयों बहनों, क्या आपके जीवन में ऐसे लोगों के लिए जगह है? क्या आप सिर्फ अपने परिवार के लिए जी रहे हो, अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, या आप यीशु मसीह के लिए कुछ करने को तैयार हो? हमारे सामने बहुत से भूखे हैं जो यीशु का रूप लेके आते हैं। यीशु इनमें होता है, भूखों में। यीशु जो नंगे घूम रहे हैं वो यीशु मसीह है जो नंगा है। और ये यीशु के शब्द हैं, मैं भूखा था, मैं प्यासा था, मैं नंगा था, मैं अकेला था, मैं बेसहारा था, मैं विधवा था, मैं अनाथ था, क्या तुमने मेरे लिए कुछ किया? और जिन्होंने किया उनके लिए इनाम है, हालेलुया। तभी खुदा ने कहा ये राज्य तुम्हारा है, हालेलुया। एक राज्य है जो प्रभु उनको देगा जो गरीबों के लिए अपना जीवन जीते हैं। मेरे भाइयों बहनों, आप एक बात को सोचें, आज दुनिया किसको याद करती है? बहुत से लोग हैं इतिहास में जो अपना नाम कमा के, अपने लिए धन दौलत कमा के, अपने बच्चों के लिए करोड़ों की जायदाद छोड़ के चले गए। हाँ, वो संसारिक तरीके से कामयाब हैं, पर उनको याद कौन करता है? उनके बच्चे भी उनको याद नहीं करते। अगर आप धन दौलत के पीछे पड़े रहे और आपने धन दौलत कमा भी ली, आपके मरने के 15-20 दिन के बाद धीरे धीरे आपके बच्चे आपको भूलना शुरू हो जाएंगे। लेकिन आज दुनिया ऐसे लोगों को याद करती है
दुनिया कैसे लोगों को याद करती है? दुनिया ऐसे लोगों को याद करती है जिन लोगों ने गरीबों के लिए भला काम किया है। ये है असली में महान लोग। अगर आप महान बनना चाहते हो, दूसरों को अपने से ज्यादा महत्वपूर्ण समझो। अगर आप महान बनना चाहते हो, उनकी सेवा करना शुरू कर दो। और अगर आप महान बनना चाहते हो, विशेष तौर पे आपके जीवन में गरीबों के लिए दया और दर्द और भले कर्म होने चाहिए। हालेलुया। ये प्रभु यीशु के शब्द है, मैंने नहीं बनाया है, प्रभु ने सिखाया। अगर आप महान, तुम रस्ते में महानता की बात कर रहे थे, मैं तुम लोगों को सीक्रेट बता रहा हूं राज्य का, और तुम लोग रास्ते में आर्ग्यूमेंट कर रहे हो कौन बड़ा, हम में से कौन महान। ठीक है, मेरे पास बैठो, मैं तुमको बताता हूं बड़ा कैसे बना जाता है। और तब प्रभु ने उनको ये बात सिखाई और प्रभु ने कहा, हम खत्म कर रहे हैं। सच्ची महानता इसमें है कि हम अपने आप को सबसे कम महत्वपूर्ण समझें। आप लोग पढ़ें, दूसरा, बेसहारों और लाचारों के लिए सहायक बन जाए। अब आप सोच के देखें, क्या इस तरह की महानता के लिए वो जो सात चीजें जो हमने देखी थी, क्या उनका कोई रोल है? क्या इस तरह की महानता के लिए आपको टैलेंट चाहिए? बहुत बड़ी खूबी होनी चाहिए आपके अंदर? क्या इस तरह की सच्ची महानता प्राप्त करने के लिए क्या आपके पास बहुत सारी धन दौलत जायदाद संपत्ति होनी चाहिए? आपके पास जितना ज्यादा होगा आप उतना कम खर्च करेंगे, लेकिन जितना आपके पास है अगर आपने दूसरों के लिए दे दिया, प्रभु आपको ऊपर से और दे रहा है। हालेलुया, ताकि आप और दे दें। जिंदगी में अगर धन्य होने का अनुभव आपको चाहिए तो जो आपके पास है दूसरों को देना शुरू कर दो। मतलब खुला दिल रखो दूसरों के लिए देने के लिए। एक नौजवान आदमी था, धनी आदमी था, नौजवान आदमी, रिच यंग मैन, यीशु के पास आया। अगले संडे में आपको उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन यीशु के पास आया और वो सारे सब कुछ कर रहा है। दौड़ के आया यीशु मसीह के पास, उसने घुटने टेके यीशु मसीह के सामने, उसने यीशु मसीह की तारीफ की, उसने यीशु मसीह से अच्छी प्रार्थना भी की, उसने सारी आज्ञाओं का ज्ञान उसको था, ध्यान से सुनो, सारी आज्ञाओं को मानता भी था। पर फिर यीशु से जब उसने पूछा कि मैं स्वर्ग राज में कैसे जाऊं, तो प्रभु ने बोला, तू एक काम कर, तुझ में एक कमी है, तेरे पास जो कुछ भी है गरीबों में बांट दे, फिर आके मेरे पीछे हो लेना। लिखा हुआ है, वो अमीर नौजवान सर नीचे करके वहां से चला गया, क्योंकि उसके पास धन बहुत था। फिर प्रभु ने कहा, मैं तुमको कहना चाहता हूं कि एक ऊंट का, एक सुई के नाका में से, सुई का जो छेद होता है उसमें से गुजर के जाना हो सकता है, लेकिन एक धनी आदमी स्वर्ग में पहुंच जाए बहुत कठिन है। फिर लोगों, चेलों ने कहा, प्रभु फिर कौन स्वर्ग राज कैसे कोई हो पाएगा? फिर प्रभु ने कहा, जो मनुष्य के लिए असंभव है परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर दुनिया में किसी के भी दिल को बदल सकता है। कुछ महीने पहले मैंने आप लोगों को शिक्षा दी थी कि अपना दशमांश ईमानदारी के साथ चर्च में डाला करें। हमारे लिए नए नियम में दशमांश कानून नहीं है अब, लेकिन फिर भी हमारे लिए एक अच्छी मसीही आदत है कि हम अपनी कमाई का दसवां हिस्सा चर्च में प्रभु को दें। लेकिन इस हफ्ते मैंने कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, सुना, जो अपनी कमाई का 90% अपने कमाई का 90% प्रभु के राज्य में देते हैं और 10% के साथ अपना घर चलाते हैं। जो खुदा से प्रेम करता है वो पैसे से प्रेम नहीं करता, और जो पैसे से प्रेम करता है वो परमेश्वर से प्रेम नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा, तुम दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते, तुम्हें एक को चुनना पड़ेगा, या तो मुझे या तो धन को चुनना पड़ेगा। मेरे भाइयों बहनों, आई डोंट नो कि आप पैसों के लिए क्या सोचते हैं, लेकिन अगर आप अपने जीवन में पैसों के पीछे पागल हो रहे हैं, आप अपना जिंदगी नष्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप प्रभु के राज्य के लिए पैसा खर्च करना चाहते हैं सच्चे मन से,
प्रभु आपकी झोली में धन देगा, आपको धनवान बनाने के लिए नहीं, आपको दानी बनाने के लिए। इस तरह की महानता के लिए आप प्रार्थना करें। प्रभु चाहता है कि आप महान बनो, वो चाहता है कि आप प्रधान बनो, वो चाहता है कि आप बड़े बनो, वो चाहता है कि आप ग्रेट बनो। पर ये है वो ग्रेटनेस जो अनंत काल तक आपके साथ रहेगी। इस तरह की महानता के लिए आप मेहनत करें, इस तरह की महानता के लिए प्रार्थना करें, इस तरह की महानता के लिए त्याग करें, इस तरह की महानता को प्रैक्टिस करें। दूसरों को अपने से महत्वपूर्ण समझना आसान नहीं है, लेकिन प्रभु ने इस तरह की महानता के लिए हम सबको बुलाया है। मेरे भाइयों बहनों, आई होप कि आप सोचेंगे इन बातों के बारे में। आई होप कि आप दुनिया की तरह नहीं बन रहे हैं। प्रभु ने कहा बहुत चौड़ा है वो रास्ता, बहुत चौड़ा है वो रास्ता जो नरक की ओर जाता है, बहुत ही संकरा है वो रास्ता जो स्वर्ग की ओर जाता है, क्योंकि बहुत कम लोग उस रास्ते को पाते हैं। आप हर रोज ऐसी दुनिया में जीते हो, आप हर रोज ऐसे समाज का सामना करते हो, हर रोज आप एक ऐसी फिलॉसफी ऑफ लाइफ, एक ऐसी विचारधारा के मध्य आप रोज अपने कदम रखते हो, रोज ऐसे लोगों से मुलाकात करते हो जो संसार नरक की ओर जा रहा है, जो संसार शैतान के चलाए चल रहा है। लेकिन इसलिए हर रोज आप लोगों को फैसला करना है कि मैं मेरा जीवन प्रभु के अनुसार जीऊंगा। आपके सलाहकार कौन हैं? कौन है जो आपके जीवन में आपको एडवाइस देते हैं? अगर वो प्रभु को जानने वाले लोग नहीं हैं, तो आपको अपने जीवन में प्रभु को जानने वाले लोग सलाहकार के रूप में रखने चाहिए। हालेलुया। जो वचन में डूबे हुए लोग हों, जो वचन के ऊपर चलने वाले लोग हों, जो आपको सच्चाई को रिमाइंड करवाते रहें, आपको सच्चाई को याद दिलाते रहे कि दोस्त तू इस संसार में अपना नाम कमाने के लिए मत जी, दूसरों के लिए जी। अगर आप चाहते हो कि लोग आपको आपके मरने के बाद याद करें, तो ऐसा जीवन जीना शुरू करें जिसमें कि आप दूसरों के लिए कुछ करना चाहें। हालेलुया। और ऐसा नहीं कि आप मतलब बेघर हो जाएंगे, प्रभु अपने डरवैयों का ध्यान रखता है। हालेलुया। ये भी लिखा है कि वो हमारे लिए सब अच्छी चीज़ों को इंजॉय करने के लिए देता है। अगर आप दूसरों का ध्यान रखोगे, प्रभु हर वक्त आपका ध्यान रखता है। इस तरह की महानता के लिए मेरे भाइयों बहनों प्रार्थना करो, प्रभु से सामर्थ मांगो। ये सामर्थ की बात है। दूसरों को अपने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना, उनका नौकर बनना, उनका दास बनना, इस चीज़ के लिए सामर्थ लगती है। अपने अंदर से इंसान कर नहीं सकता, प्रभु की सामर्थ की आवश्यकता है। इस तरह का महान अगर बनना है तो सब खड़े हो जाएं और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि हम इस तरह की महानता को हासिल कर सकें। हालेलुया।